ऑनलाइन कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं? ये पूरे विश्व में आयरलैंड के संविधान में ही नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख था और भारत के संविधान निर्माताओं ने आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर ही नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में शामिल किया। क्या होता है इसका अर्थ, यह अब हम समझेंगे। संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है और संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। मौलिक अधिकार नागरिकों के लिए हैं और नीति निर्देशक तत्व राज्य और सरकार के लिए हैं। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है कि जब भी कोई सरकार आएगी, वो अपनी नीतियां बनाएगी, कानून बनाएगी, तो उनको निर्देशित करने के लिए ये सिद्धांत संविधान में रखे गए हैं कि सरकार किसी भी दल की आए, लेकिन वो अपनी नीतियां और कानून बनाते समय इन नीति निर्देशक सिद्धांतों से गाइडेंस लेकर और उनके ऊपर चलकर ही अपनी नीतियां और कानून बनाए। हालांकि किसी भी सरकार पर ये कानूनी रूप से बाध्यता नहीं होगी, क्योंकि जहां मौलिक अधिकारों को न्यायालय का संरक्षण और कानूनी बाध्यता प्राप्त है, वहीं नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं है। अर्थात ये सरकारों के विवेक पर निर्भर करता है कि वो किस हद तक नीति निर्देशक तत्वों को अपनी नीतियों में और अपने कानूनों में सम्मिलित करते हैं। लेकिन फिर भी नीति निर्देशक तत्वों की उपेक्षा करना किसी भी सरकार के लिए आसान नहीं होता, क्योंकि भले ही नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय का संरक्षण प्राप्त नहीं हो, पर एक तो इन्हें संवैधानिक दर्जा प्राप्त है और दूसरा जनमत का समर्थन प्राप्त है। तो न्यायालय में नहीं, कानूनी अदालत में नहीं, लेकिन जनता की अदालत में तो किसी भी सरकार को जवाब देना ही पड़ेगा कि उसने नीति निर्देशक तत्वों का किस हद तक पालन किया या नहीं किया। इसलिए कोई भी सरकार इनकी पूर्ण रूप से उपेक्षा नहीं कर सकती है। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों का अर्थ आपके समझ में आया बच्चों? क्या होता है कि ये वो तत्व हैं, ये वो सिद्धांत हैं जिनके आधार पर सरकार को अपनी नीति और कानून बनाने हैं। एक प्रकार से गाइडलाइंस हैं, दिशा निर्देश हैं सरकार के लिए, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य सरकारें हो, चाहे वो किसी भी दल की सरकार हो, कि वो अपनी नीतियां और अपने कानून बनाते समय इनका ध्यान रखेंगे और उनके आधार पर ही अपनी पॉलिसीज और अपने लॉस को बनाएंगे। अब हम देखेंगे कि कौन कौन से नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। यूं तो विभिन्न विषयों पर नीति निर्देशक तत्व हैं संविधान के भाग 4 में, परंतु सबसे अधिक जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आर्थिक न्याय और इकोनॉमिक डेवलपमेंट से संबंधित हैं। तो हम समझेंगे कि कौन से हैं नीति निर्देशक तत्व। जैसे कि इसमें सबसे प्रमुख बात है वो ये है कि हमें रोजगार का मौलिक अधिकार तो नहीं दिया गया भारत के नागरिकों को। फंडामेंटल राइट्स में एम्प्लॉयमेंट का अधिकार नहीं मिला है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व में ये लिखा हुआ है कि सरकार का ये कर्तव्य होगा कि वे सभी नागरिकों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार मिल सके, इसका प्रबंध करे। तो रोजगार की व्यवस्था करना सरकार का दायित्व है, अर्थात सरकार को ऐसी नीतियां बनानी है, इस तरह के कानून बनाने हैं जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके। दूसरी बात जो इसमें लिखी है वो ये है कि समान कार्य के लिए सबको समान वेतन मिलेगा, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो, अगर समान काम कर रहे हैं तो वेतन भी समान मिलना चाहिए। इसके साथ साथ जो आर्थिक न्याय से संबंधित नीति निर्देशक तत्व हैं उनमें सबसे प्रमुखता के साथ इस बात का प्रतिपादन किया गया है कि सरकार ऐसी नीतियां बनाएगी जिनसे कि आर्थिक न्याय स्थापित हो और जो पूंजी है उसका समान वितरण हो, आय का भी समान वितरण हो, और भूमि और जो भौतिक संसाधन है, उत्पादन के संसाधन है, उनका केंद्रीकरण नहीं हो बल्कि उनका विकेंद्रीकरण हो। इस तरह की नीतियां सरकार को बनानी है। हालांकि हम देख रहे हैं कि पिछले 7 दशक से भी अधिक हो चुके संविधान को लागू हुए, लेकिन अभी भी ना तो आर्थिक न्याय स्थापित हुआ है, ना ही भूमि और पूंजी का उचित विकेंद्रीकरण हुआ है, जो कि नीति निर्देशक तत्वों में लिखा हुआ है कि सरकार का दायित्व है कि उसे अपनी नीतियों में इनको शामिल करके इसका प्रबंध करना है। इसके अतिरिक्त कृषि के क्षेत्र में लिखा है कि वैज्ञानिक कृषि को प्रोत्साहन दिया जाएगा और किसानों के भले के लिए कार्य किए जाएंगे, मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी तय की जाएगी और जितने भी नागरिक हैं आर्थिक कारणों से उनका शोषण ना हो इसका उपाय किया जाएगा,
अर्थात ऐसा नहीं हो कि किसी भी नागरिक का शोषण इसलिए हो जाए क्योंकि वो गरीब है, तो गरीबी को हटाना भी नीति निषेधक तत्वों में शामिल है। इसके अलावा कुछ सामाजिक न्याय से संबंधित नीति निषेधक तत्व भी हमारे संविधान में हैं, जो आर्थिक और सामाजिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे कि जो हमारे नागरिक हैं उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाना, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए, कैसे वो सुविधाजनक अपना जीवन बिता सकें। जैसे उसका एक उदाहरण मैं आपको दूंगा कि हमारे अभी जो केंद्र सरकार है उसने एक नीति बनाई, उज्ज्वला गैस योजना बनाई। वो क्या थी कि जो महिलाएं चूल्हे से खाना बनाती हैं और उसकी वजह से उनकी आंखें खराब हो जाती हैं, उनको भी रसोई गैस उपलब्ध हो सके। ये क्या है? ये प्रयास है नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने का, जिसका जिक्र कहाँ है? नीति निदेशक तत्वों में है कि नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए सरकार को प्रयास करने पड़ेंगे। बच्चों को शोषण से बचाना होगा, आर्थिक कारणों से उन्हें कहीं पर भी कारखाने में फैक्ट्री में काम ना करना पड़े, इसका उपाय करना होगा। स्वास्थ्य सुविधाएं सबको उपलब्ध करानी होंगी, अर्थात बीमार होने पर उनको इलाज मिल सके, दवाइयां मिल सकें। और हमारे देश में अभी भी बहुत निर्धनता है, तो इस दिशा में भी प्रयास होते रहे हैं। हम देखते हैं जैसे कि राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लंबे समय से निशुल्क दवा योजना प्रारंभ की है, वो इन्हीं निदेशक सिद्धांतों के क्रियान्वयन की दिशा में कदम कहा जा सकता है। इसके अतिरिक्त निदेशक तत्वों में और भी बहुत सी बातें हैं, जैसे कि ऐतिहासिक स्मारकों की रक्षा करना है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और व्यवस्था की स्थापना करना है, पर्यावरण की रक्षा करना है, और कुछ नए निदेशक तत्व भी शामिल किए जाते रहे हैं, जैसे कि 14 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को निशुल्क शिक्षा मिल सके, सरकार ऐसी नीति बनाए, इसका प्रबंध करे। इसके अतिरिक्त औद्योगिक संस्थानों में कर्मचारियों की भी भागीदारी हो, ये भी एक नया निदेशक तत्व शामिल किया गया था। इसके अतिरिक्त जो कमजोर वर्ग है, आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग है, उनको निशुल्क कानूनी सहायता मिले, ये भी निदेशक तत्वों में शामिल किया गया है। अब मैं जिक्र करूंगा दो ऐसे नीति निदेशक तत्वों का जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन जिनका अभी तक भी क्रियान्वयन नहीं हुआ है। एक तो है संविधान के अनुच्छेद 44 यानी 44 में वर्णित नीति निदेशक तत्व। हमारे यहाँ पर्सनल लॉ लागू है आजादी के बाद से ही, और आज भी लागू है, जबकि नीति निदेशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 44 में स्पष्ट लिखा है कि सरकार ऐसी नीतियां बनाएगी, ऐसा कानून बनाएगी जिससे कि एक समान नागरिक संहिता का निर्माण हो, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का निर्माण हो, और जो पर्सनल लॉ है वो समाप्त हो। लेकिन आजादी के इतने सालों बाद भी केंद्र में कई दलों की सरकारें आई और गईं। कांग्रेस की सरकार अनेक बार बनी, अभी बीजेपी की सरकार है, लेकिन किसी भी सरकार द्वारा अभी तक इस दिशा में कोई कानून नहीं बनाया गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जा सके। एक और जो नीति निदेशक तत्व है जो महत्वपूर्ण है, वो ये है कि शराब और नशीली वस्तुओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। गुजरात को छोड़कर इक्का दुक्का राज्यों ने शराबबंदी का प्रयास किया, लेकिन उसके बाद भी आज भी ना तो शराबबंदी लागू हुई है, ना अन्य नशीले पदार्थों पर पूरी रोक लगी है। तो निदेशक तत्वों में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात भी आज तक पूरी नहीं हो पाई है, और ना ही आज तक पूरी हो पाई है नशाबंदी की बात जो कि निदेशक तत्वों में लिखी हुई है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नीति निदेशक तत्व जो है वो बहुत सारी बातों को अपने में समेटे हैं कि जब सरकार अपनी नीतियां और संसद अपने कानून बनाए तो वो नीति निदेशक तत्वों को आधार बना के और उनको ध्यान में रखकर बनाए। इनमें से कुछ नीति निदेशक तत्व तो क्रियान्वित हुए हैं, जैसे कि एक नीति निदेशक तत्व है कि सरकार द्वारा ऐसी नीतियां और कार्यक्रम बनाए जाएंगे जिससे कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों का विकास हो सके। तो हम देख सकते हैं कि पिछले अनेक दशकों में बहुत से ऐसे कानून बनाए हैं जिससे कि SC ST OBC इन वर्गों की स्थिति में सुधार आया है। महिलाओं के लिए भी अनेक कानून बने हैं, बच्चों के लिए भी कुछ प्रयास हुए हैं, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे नीति निदेशक सिद्धांत हैं जो क्रियान्वित नहीं हुए हैं। अंत में हम यही कह सकते हैं कि नीति निदेशक तत्वों का जो अंतिम लक्ष्य है वो है सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना करना, और जिस हद तक जो सरकार सामाजिक और आर्थिक न्याय की स्थापना कर सकेगी, हम मानेंगे कि उस हद तक उस सरकार ने नीति निदेशक तत्वों का क्रियान्वयन किया है। तो अभी तो हम ये कह सकते हैं कि रास्ता बहुत कम तय हो पाया है, क्योंकि ना तो हमारे देश में अभी तक आर्थिक न्याय की स्थापना हो पाई है, बल्कि पिछले कुछ वर्षों में तो कॉरपोरेट जगत का
और पूंजीपतियों का वर्चस्व बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में जरूरत इस बात की कि ऐसे कानून और नीतियां बनाई जाएं जिनसे पूंजी का विकेंद्रीकरण हो, और इसीलिए अभी कृषि कानूनों का व्यापक रूप से विरोध हो रहा है जो कि मोदी सरकार द्वारा बनाए गए हैं, क्योंकि किसानों को ये डर है कि इससे जो खेती है उस पर भी कॉर्पोरेट का नियंत्रण हो जाएगा। और इन शंकाओं को दूर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे नीति निषेक तत्व भी ये कहते हैं कि जनमत का आदर करते हुए ये कानून बनाए जाने चाहिए और नीति निषेक तत्वों को लागू करके आर्थिक और सामाजिक न्याययुक्त राष्ट्र की स्थापना होनी चाहिए। धन्यवाद।